बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरहास किचन। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन शिनवारी कढ़ाई की रेसिपी है। बहुत ही मज़े की रेडी होती है, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। और आप अपने घर पे एज इट इज़ ट्राई कीजिएगा तो बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले जो मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ, सबसे पहले मैंने लिया है 1 kg मैंने मटन लिया है। और इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, 1/2 teaspoon गरम मसाला, 1 teaspoon ज़ीरा, 1 teaspoon हल्दी, 1 teaspoon काली मिर्चें, 1 teaspoon मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 teaspoon मैंने लिया है नमक, और 1 teaspoon मैंने लिया है क्रश्ड मैंने धनिया लिया है। और जो इसमें जो वेजिस जाएंगी मसाले में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो जाएंगी 2 मैंने लिए हैं टमाटर, और इस तरह से मैंने उन्हें कट कर लिया है। अगर आपके बड़े साइज के टमाटर नहीं है, मीडियम है, तो आप 3 ले लीजिएगा। और जो इसके अंदर जाएगा 8 से 9 जवे लहसुन के हैं, 1 inch का टुकड़ा ये अदरक का है, और 7 से 8 हरी मिर्ची जाएंगी, और साथ में 1 cup जाएगा इसमें ऑयल। सबसे पहले मैं गोश्त को गलने के लिए रख दूंगी। पैन लिया मैंने, उसमें मैंने 1 kg मैंने आपको बताया था 1 kg मैंने मटन लिया है, और उसमें 1 cup मैं पानी का ऐड करूंगी। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट है, मैं ये ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके इसे मैं 30-40 मिनट के लिए मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। ये देखें, अच्छी तरह से मैं इसे मिक्स करूंगी, फ्लेम मैं हाई करूंगी। देखें, बहुत ही मजे की ये कढ़ाई रेडी होगी। मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह से मैं कवर कर दूंगी। और अगर आप प्रेशर कुकर में कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा, तो मैंने इसे कढ़ाई में इसको मैंने रखा है, तो इसे कम से कम 35-40 मिनट लगेंगे आपके गोश्त के गलने को। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि मैं क्या करती हूँ। गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है, और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी, जितना आप डालना चाहें उतना आप डालें। और अब ये जो टमाटर हैं जो मैंने स्लाइस कट किए हुए थे, अब ये मैं इसके अंदर रख दूंगी। देखें, 1 by 1 करके मैं रखूंगी और मैं इसे कवर कर दूंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ऊपर से इनकी स्किन मैं उतारूंगी, उतार के और फिर मैं इसे अच्छी तरह से मैं इसे स्पाइसेस डाल के अच्छी तरह से मैं इसे भून लूंगी। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड करूंगी, और मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। इतना भूनूंगी कि ये जो टमाटर हैं अच्छी तरह से ग्रेवी की फॉर्म में आ जाएं। ये आप देख रहे हैं, इसको मैं अच्छी तरह से भूनती जाऊंगी। बहुत ही मज़े की ये शिनवारी कढ़ाई रेडी होती है, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की नज़र आ गई। चलो मम्मी, ये देखें, इसे अच्छी तरह से मैं भूनती जाऊंगी। सारे स्पाइसी टमाटर, इनकी बहुत ही मज़े की ग्रेवी बन चुकी है, और इसमें ग्रीन चिलीज भी मैंने ऐड की हैं। इस तरह से मैं भूनती जाऊंगी, ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। बाज़ार से आप इतनी महंगी खाते हैं तो यहाँ घर पे बनाए बिल्कुल साफ़ सुथरा अपना मटन लें, और बहुत ही मज़े की ये रेडी हो जाती है। अच्छी तरह मैंने इसे भूना, और अब ये आप देख रहे हैं कि ये घी ऊपर की तरफ आ चुका है, और ये बिल्कुल और मसाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से उसकी ग्रेवी बन चुकी है। बहुत ही मज़े की ये रेडी हो चुकी है, और अब मैं इसे प्लेटर में डिश आउट करूँगी। फाइनली ये शिनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी। साथ में आप मेरे इंस्टा पे जाके इसकी पिक भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ में मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आने वाला मेरा हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।